everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be very important from exam perspective, that is important amendments of Indian Constitution. तो जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं एंड लेटेस्ट भी हम जानेंगे, जो भी अभी हाल ही में अमेंडमेंट्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में भी हम जानेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट इज 9th शेड्यूल एडेड थ्रू. हमारा जो 9th शेड्यूल है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एडेड हुआ है, ठीक है, वो हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. ठीक है, जैसे कि हमारे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में किया गया है एंड कौन सा वो शेड्यूल था जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको ऐड किया गया है, तो वो शेड्यूल था 9th शेड्यूल एंड जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो किया गया था 1951 में. ओके, सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं एंड जितने भी 12 शेड्यूल हैं टोटल वो सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो 9th जो शेड्यूल है वो कंटेन करता है ए लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एंड वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि विच अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ SC/ST कमीशन. ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो SC/ST कमीशन है वो लेड की गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन है 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990. इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत SC/ST कमीशन बैठाई गई थी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है आपने सुना ही होगा, ये जो राइट है ये वुमेन को दिया गया है. ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है, वो है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989. तो इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट दिया गया है वुमेन को. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट हमारे कौन से अमेंडमेंट एक्ट में वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स. ठीक है, फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. ठीक है, इस इन दोनों इलेक्शंस के लिए ये जो वोटिंग एज है वो डिक्रीज करी गई थी फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स. ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी, ये की गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट आपको पता ही होगा हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी भी ऐड था. ठीक है, बट वो अब डिलीट कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट से. वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको डिलीट किया गया था, वो किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज दिल्ली डिजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी विच इज एब्रिवेटेड एज NCT. ठीक है, दिल्ली को डेजिग्नेशन दिया गया है एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया है, वो दिया गया है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज पंचायती राज सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम है वो लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 73rd 1992. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिक्किम गिवन एज द स्टेट स्टेटस. सिक्किम को स्टेट का स्टेटस किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था इंडिया में, तो वो दिया गया था थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज म्युनिसिपैलिटीज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन. ठीक है, जैसे कि हमारा पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी भी एग्जिस्टेंस में आई थी. ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992.
ओके, पंचायती राज को मिला था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से एंड म्युनिसिपैलिटीज को मिला था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. दोनों सेम ही ईयर में हुए हैं, बस एक आगे पीछे का डिफरेंस है इनका. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड सेक्युलर एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि ये जो तीन वर्ड हैं टोटल, सेक्युलर ही नहीं, ये दो और वर्ड हैं, दैट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, ये तीनों ही जो वर्ड आप देख रहे हैं ये किस में ऐड किए गए हैं, ये किए गए हैं हमारे प्रियम्बल में. ठीक है, ये तीनों वर्ड को ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो जस्ट रिमेंबर दिस. ये तीनों ही वर्ड ऐड किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. नाउ नेक्स्ट इज द लैंग्वेजेस मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली एडेड टू 8th शेड्यूल. ठीक है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये किए गए थे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003. ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो चारों हमारी लैंग्वेजेस हैं ये 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी. एंड हमारे इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ये भी याद रखिएगा आप. नाउ नेक्स्ट इज गोवा वॉज मेड फुल फ्लेज्ड स्टेट. ठीक है, इन इंडिया वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था, वो बना था 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987. इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गोवा फुल फ्लेज स्टेट बना था इंडिया का. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश. ठीक है, कुछ जो टेरिटरीज हैं वो इंडिया में एक्वायर की गई थी एंड जो कुछ टेरिटरीज हैं वो ट्रांसफर की गई थी बांग्लादेश को, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वो की गई थी 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. इस एक्ट के थ्रू हमने कुछ टेरिटरीज ली थी इंडिया में और कुछ ट्रांसफर कर दी थी टेरिटरीज को बांग्लादेश को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, जीएसटी जो लाया गया था वो लाया गया था थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016. ये 2016 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्पोज किया गया था. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ नेक्स्ट इज एडेड द लैंग्वेजेस कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी टू 8th शेड्यूल थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये ऐड की गई थी इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, दैट इज 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992. नाउ नेक्स्ट इज It is compulsory for the President to give his assent to the Constitutional Amendment Bill. ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू जो प्रेसिडेंट हैं हमारे उनको अपनी assent देना compulsory है. ठीक है, मंजूरी देना compulsory है किसको, to the Constitutional Amendment Bill को. ठीक है, तो ये compulsory कर दिया गया था थ्रू 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज सिंधी लैंग्वेज एडेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, सिंधी लैंग्वेज एड की गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेघालय एडेड थ्रू, मतलब मेघालय जो स्टेट है वो अपने इंडिया में किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था थ्रू 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969. मेघालय को इंडिया का स्टेट बनाया गया था. ठीक है, उसे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस बाय आर्म रेबिलियन. ठीक है, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो इमरजेंसी के टाइम में यूज किया जाता था इस वर्ड को, वो चेंज करके उसको रिप्लेस करके आर्म रेबिलियन कर दिया गया था उस वर्ड को. ठीक है, वो रिप्लेस किया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट.
नाउ नेक्स्ट इज थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545. ठीक है, वो की गई थी थ्रू 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अपनी जो लोकसभा है उसकी सीट इंक्रीज करी गई थी फ्रॉम 525 टू 545 तक. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो एड की गई थी थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको अभी ही बताया है मैंने लास्ट पेज पे कि जो प्रीएम्बल में तीन वर्ड ऐड किए गए थे उनका नेम है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ये जो तीनों ही वर्ड हैं ये प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत. ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी इन्हीं इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट fundamental rights guaranteed by article 20 and 21 cannot be suspended during emergency. तो इसमें बोला गया है during emergency, emergency के समय पर जो fundamental rights हैं article 20 and 21, ठीक है, उनको suspend नहीं किया जा सकता है किस constitutional amendment act के तहत. वो amendment act है 44th constitutional amendment act 1978. ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 20 एंड 21 वो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 19 होगा कि 20 होगा, तो वो होगा आर्टिकल 20 एंड 21. ठीक है, ये दोनों ही आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज दादर एंड नगर हवेली इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन यूनियन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो किया गया था 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961. ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत दादर एंड नगर हवेली को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, मतलब शामिल किया गया था. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ द लास्ट वन इज थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी. जितने भी लोग हैं जनरल कैटेगरी में, अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में. ठीक है, तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा रिजर्वेशन, वो प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन गिव इट अ थम्स अप एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज शिवी स्टडी एजुकेशन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.